क्योंकि पता नहीं क्या कर सकते हैं अब तो। हाँ क्यों नहीं हो सकते बताइए। तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। तो उनकी जमानत हो गई है सुनने में आ रहा है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद जुडिशियल को देके क्योंकि उनको बेल मिल गया है। और पर हमको ये भी है कि ये लोग शायद और कुछ नया ड्रामा कर लेंगे और नया यू नो जो भी कर सकते हैं लोग उनके पास पावर है पर हमारे पास मेरा जनता है। मैडम अभी आप आंचल फैला के कुछ मांगने की बात कर रहे थे। किसी को डर उस तरीके का डर नहीं उनको ऐसा है कि अगर धनंजय सिंह बाहर है तो वो लोग अगर अंदर है तो वो लोग सोच रहा था कि वो लोग जीत जाएंगे। अगर अंदर या बाहर है हम लोग जीत रहे बिकॉज हर एक लोग इधर एक एक धनंजय सिंह बनकर लड़ रहे हैं और जैसा आज जो किया है वो लोग उससे और भी पब्लिक और बहुत इरिटेट हो गया है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि अपना नेता को बार बार ऐसा ट्रबल करना और हमको एक यू नो वुमेन को लेके हम एकदम कामली मेरा कैंपेन हो रहा था तो ये सब करने के लिए जरूरत नहीं है और इतना तंग करने के लिए जरूरत नहीं है। दम है तो लड़ना है फेर लड़ना है आगे पीछे से नहीं। बीजेपी डरी हुई है श्री कृष्ण शायद होगा बिकॉज वो लोग क्यों ये सब करना चाह रहे बताइए। इट्स नॉट जस्ट बीजेपी इट्स ऑल अपोनेंट्स आई एम सेइंग एनी अपोनेंट्स हु देयर इतना वायर उतना वरीड क्यों है वो लोग। जताना चाहती हूँ कि जौनपुर के सम्मान को बचाने की इस लड़ाई में उन्होंने हमारा हाथ तामा है और अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आपकी बहू हूँ आज आपके बीच आई हूँ। मेरा सिंदूर मेरा मंगलसूत्र में मेरे पति धनंजय सिंह जी को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा क्या वजह है आई जो ऐसा करना पड़ा। इस समय मुझे मेरी बच्चों मेरी परिवार को खतरा है। मेरे पति पर हत्या का प्रयास किया जा सकता है। आज मैंने जनता की अदालत में हूँ आप ही फैसला करें। धन्यवाद।